हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। सो कल मंडे है और कल किस तरीके से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एंड हमेशा की तरह थर्सडे को भी हमारे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने थे, जो भी मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था उसके बेस पे, और आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा, राइट। सो मुझे ज़रूर बताना कि आपका लास्ट वीक कैसा रहा है पूरा, क्योंकि काफ़ी मैंने कोशिश की और काफ़ी मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रॉफिट कर सको। मैं काफ़ी टाइम लाइव ट्रेड भी करने आया और आप लोगों को एनालिसिस वीडियो में काफ़ी अच्छा मैंने डिटेल में बताया था, और सारे जो भी मैंने चीज़ें बताई थी सब कुछ काम करते हुए मार्केट ने पूरा पूरा टारगेट दिया था। अगर आपने अच्छे से देखी है वीडियोज़ जो भी लास्ट वीक में, तो आपका वीक जो है प्रॉफिटेबल रहा होगा। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा रहा लास्ट वीक, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वीक और देखते हैं कि क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं कल के लिए और पूरा हफ्ता कैसा रह सकता है, ठीक है। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं। ये लेवल्स मैंने अपडेट करे हुए हैं अभी, राइट। सो निफ्टी में जो भी ट्रेड हम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, राइट। और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस एनालिसिस वीडियो में, इसके बेस पे ट्रेड अगर आपको करना है तो ध्यान रखना कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, उसको जरूर ज्वाइन करना। रीज़न क्या है कि अगर कुछ भी ट्रेड में चेंज होने वाला है, राइट, मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया, कुछ भी चेंज होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दूंगा तभी के तभी, ताकि आप लोग जो है जो लॉसेस अपने बचा सको और ट्रेड अपना प्रॉफिटेबल एग्जिट कर सको, या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है तो वो कर सको, राइट। सो उसके लिए ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना अगर आपको मेरी एनालिसिस वीडियो के बेस पर ट्रेड लेना है, और ये लेवल्स वगैरह भी मैं आपको वहां पर दे दूंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी को लेके। निफ्टी से देखो, निफ्टी में मार्केट ने काफ़ी अच्छा ये बुलिश मोमेंटम दिया था और होल्ड कर चुका मार्केट ऊपर, और यहाँ से रिएक्शन ले रहा है, राइट। सो अब क्या सिनेरियो बन रहा है? सो आपके पास जो ये लेवल्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम ऊपर की साइड में, तो आपका जो ये लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल आपका 17,644 का, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। सो अगर निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर आता है, कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के नीचे, कहीं भी ओपन होता है, राइट, और ऊपर आता है इस लेवल के पास और यहां से रिजेक्शन लेता है बार बार, राइट, मतलब कुछ देर तक होल्ड करता है, रिजेक्शन लेता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया था ना, इस तरीके से कुछ रिजेक्शन लेता है, तो यहां पे इस लेवल के पास आप एक पुट की पोजिशन ले सकते हो, ठीक है। और ये लेवल आपका 17,644, जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज आपको पुट की पोजिशन के एंट्री लेनी है, और फाइनल टारगेट आपको यहां तक का लगाना है। ये लेवल है आपका 17,551 का। बीच में ना देखो दो ये लेवल हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको, तो इन लेवल्स के बेस पे आपको ट्रेल करना है और जो भी अपना ट्रेड है उसको मैनेज करना है। हो सकता है मार्केट इनको रिस्पेक्ट दिखाए, वैसे तो फाइनल टारगेट आपका यहीं तक बनना चाहिए, राइट, बट बीच में अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो वो इन दो लेवल्स में से किसी एक से रिवर्सल ले सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाता है तो आप जो है वहाँ पे अपने लॉट्स बुकिंग शुरू कर दो, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देना, राइट, ट्रेल कर लेना अपना ताकि आपको लॉस ना हो, राइट। और ये लेवल्स हैं 17,609 का, और ये लेवल है 17,580 का। तो एक सिनेरियो हमारा ये बन रहा है निफ्टी में। और देखो, मैं आपको जो भी एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको ये नहीं बताता कि मार्केट यहाँ जाएगा ही जाएगा, मेरा काम होता है आपको बताना, और यही एक सही तरीका है आपको अगर एनालिसिस करनी है नेक्स्ट डे के लिए, तो यही सही तरीका है कि आपको सारी कंडीशंस बनानी होगी कि मार्केट अगर यहाँ जाए तो हमें क्या करना है, मार्केट अगर यहीं पर रहे तो क्या करना है, मार्केट अगर नीचे जाए तो हमें क्या करना है, तो इस तरीके से कंडीशंस बनानी होंगी और वो आपको फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट टाइम पर। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, कोई हमने क्योंकि कोई न्यूज़ देखी है या फिर कुछ देखा है, किसी ने हमें बता दिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो हम मार्केट ओपन होते ही बस कॉल की पोजीशन लेंगे अंधाधुंध। ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, राइट। आपको प्राइस एक्शन के रूल्स वगैरह फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो एक कंडीशन मैंने आपको बताई निफ्टी में, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे लेवल पे होल्ड नहीं करता और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, मार्केट एक दो कैंडल में ही अगर यहाँ पे आके और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, राइट, और ये लेवल आपका 17,644 का, तो आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज कॉल की पोजीशन लोगे, राइट। पहला टारगेट आपका ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट आपका रहेगा ये लेवल। सो ये लेवल आपका 17,714 का और ये लेवल है 17,678 का, राइट। तो कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे एग्जिट कर देना, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, डोंट वरी। और जिनके पास ज़्यादा लॉट्स है आप वो यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, फाइनल फाइनल टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सिनेरियो बन रहा है ऊपर की साइड में। अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे ओपन होके, राइट, ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो आपका ये लेवल है, दिस लेवल विच इज 17,551 का,
अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के, उतना क्लोज आप यहां पे पुट की पोजीशन लोगे, और ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा, ये वाला लेवल। और ये लेवल है 17,505 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये आपका लेवल रहेगा, ये आपका एक सिनेरियो बनेगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आता है तो दोबारा आप यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया में या कहीं भी ओपन हो गया, ये सारे सिनेरियो बनेंगे, तो आप लोग आपको लेना है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर मान लो ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है, जैसा कि मैंने आपको थर्सडे को बताया था एक्सपायरी डे वाले दिन, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मिला था, राइट, यहाँ तक का बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला था। सो ये हम सब ने बुक किया था, राइट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बताया था और दोनों में ही टारगेट मिला था हमें, तो कमेंट करके बताना किस किस ने बुक किया था, मुझे आप लोग बताया करो ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग फायदा उठा रहे हो उस चीज़ का, राइट। सो अगर मार्केट बैंक निफ्टी जो है इस लेवल पे 17,505 पे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता, देखो जैसे इस तरीके से यहाँ पे, राइट, तो आप इस लेवल पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल को उतना क्लोज कॉल की पोजीशन ले सकते हो, और टारगेट आपको यहां बनाना है, और यहां पे ये जो लेवल है 17,551 का, यहां तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे टारगेट बुक करो, एग्जिट कर दो ट्रेड, दैट्स इट। उसके बाद यहां पे अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता, अगर मान लो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट नहीं लेता और नीचे ब्रेक कर देता है, एक ही बार में आता है और ब्रेक करता है इस लेवल को, और कैंडल जो है इस लेवल के नीचे क्लोज भी हो जाती है ब्रेक करके, तो आप इस लेवल पे, और ये लेवल कौन सा है 17,505 का, अगेन इस लेवल के जितना क्लोज हो सकता है ना उतना क्लोज आप पुट की पोजीशन लोगे, और यहां तक का फाइनल टारगेट बनाओगे आप 17,451 का। बीच में देखो एक ये लेवल है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो आप लोग ट्रेड अपना मैनेज कर लेना, और ये लेवल है 17,479 का। ये एक्चुअली में आपको यहां पे अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है ट्रेल करना है, जो लॉट्स है वो ट्रेल कर लेने, क्योंकि यहां से अगर रिवर्सल आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप सारे लेवल्स ध्यान रखना। सो ये सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, और अभी जो है अगर निफ्टी इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट दिखा देता है तो थोड़ा सा डाउनसाइड मार्केट जाएगा, थोड़ा सा पुलबैक हो सकता है ले, राइट, ऊपर फिर से और जाने से पहले थोड़ा सा हो सकता है पुलबैक ले मार्केट, और वैसे भी काफ़ी यू नो अभी जो निफ्टी है एकदम ओवरबॉट जोन में आप कह सकते हो, या फिर एकदम टॉप वाले जोन में अपने मार्केट घूम रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगा। सो हमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें जो है एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करना है। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ और सिनेरियो चेंज होता है या कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा टेलीग्राम पे, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, राइट। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने ये अपडेट कर रखे हैं, राइट। बैंक निफ्टी में क्या करना है आपको, अगेन बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी में पहले बात करते हैं ऊपर की साइड में, देखो अगर बैंक निफ्टी आपका जो ये लेवल है, अगर इस लेवल पे कहीं पहले तो बात कर लेते हैं, अगर मान लो इन दो लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन होता है और ये लेवल्स हैं 41,096 और ये लेवल है 40,939, सो इन दो लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी एंड इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर देता है तो आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो इस लेवल पे, अगर ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस लेवल पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो, और यहाँ तक का आपको टारगेट बनाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी टारगेट नहीं बनाना है, यहाँ तक का आप टारगेट बनाओगे और ये लेवल है 40,268 का, ये आपका एक सिनेरियो बन रहा है, राइट। और अगर मान लो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के, ये लेवल है 40,939 का, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो और आप टारगेट बना सकते हो यहां तक का, और ये लेवल है आपका 40,816 का। सो ये अराउंड 100 पॉइंट से भी ज्यादा का टारगेट है, 100 पॉइंट्स का टारगेट, काफी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इससे ज्यादा और टारगेट जो है मत यहां पे सोचना। ओके, अगर मान लो मार्केट इधर नहीं होता है, इधर कहीं ओपन हो या कुछ भी ओपन हो इधर, और इस लेवल को रिस्पेक्ट दिखाए और इस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, इस लेवल पे होल्ड कर जाए, अगर इस लेवल पे होल्ड कर जाता है बैंक निफ्टी, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना थर्सडे को यहाँ पे, और मार्केट ने सेम वही चीज़ की है, तो यही सेम सिनेरियो जो है यहाँ पे अगर बनता है इस तरीके का इस लेवल के पास, और ये लेवल है आपका 40,268 का, तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हो, राइट। और यहाँ तक का आपका रहेगा टारगेट, ये लेवल कौन सा है 41,096 का लेवल है, ये लेवल आपका 41,268 और ये लेवल है 41,096 का, तो एक ये ट्रेड बन सकता है बहुत अच्छे वाला, राइट। बट अगर मान लो मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करता और इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर देता है, ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप इस लेवल पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज
और ये लेवल है 41,268 का। तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन लोगे और यहाँ तक का आप टारगेट बनाओगे, और ये लेवल है 41,399 का। सो अराउंड ये आपका 150 पॉइंट्स के अराउंड का टारगेट है, 140 पॉइंट्स के अराउंड का टारगेट है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपको, राइट, ये ट्रेड बन रहा है। अगर मान लो नीचे की सिनेरियो की बात करें और नीचे मार्केट आता है, नीचे का देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है 40,816 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आके होल्ड करता है, राइट, यहाँ पे आके होल्ड करता है, जैसा कि सेम यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो बनता है यहाँ पे, तो आप इस पॉइंट पे, इस लेवल पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज कॉल की पोजिशन ले सकते हो, राइट, और यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। और ये लेवल है 40,939 का। तो ये एक ट्रेड बनेगा और काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। इसमें आप ट्रेल कर सकते हो, अगर मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है ना तभी हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो वैसे चलो ट्रेल का छोड़ो, कन्फ्यूजन रहेगी आप लोगों को, ये टेंशन नहीं हटाओ, सीधा आपको यहीं तक का टारगेट बनाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल टारगेट नहीं लेना, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हम सीधा, ओके। बट अगर मान लो यहाँ पे ना होल्ड नहीं करता है और सीधा एक बार ब्रेक कर देता है और कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप इस लेवल पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। यहां तक का आपका फाइनल टारगेट रहेगा, ये लेवल आपका 40,816 का, और फाइनल टारगेट का जो लेवल है ये है 40,535 का। बीच में देखो ये एक लेवल है, यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, तो यहां पे आपका अगर कम लॉट्स है तो आप इस लॉट पे सारे लॉट्स एग्जिट करके निकल जाना और ये 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा आपका, बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। बट ज्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे कुछ लॉट्स बुक करके फाइनल टारगेट आप यहाँ तक का बना सकते हो। ये लेवल है 40,693 का, ठीक है। सो ये आपका सिनेरियो बन रहा है। सो अगर आपको वीडियोस इस वीडियो में थोड़ा सा डाउट है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार और वीडियो देख सकते हो ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और कुछ क्वेश्चन है डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एनीवेज मिलते हैं कल, ठीक है। सो आई होप आपका पूरा अच्छा रहे, नेक्स्ट वीक भी लास्ट वीक का जैसा था सिनेरियो आप बता देना मुझे, कैसा रहा, प्रॉफिटेबल रहा, ग्रीन में एंड हुआ, कितना प्रॉफिट ओवरऑल हुआ, वो भी आप मुझे बता सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।